वक्त पर पहुंचने की कोशिश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आख़िरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू, आज ईद का दिन है। जो सबसे पहले काम होता है वो पट्टे ला के खड़े करने होते हैं कि ईद जो बाकी ईद के बाद का टाइम है उसमें पट्टे लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए वो काम सबसे पहले करते हैं। तो अभी मैं वही लेने जा रहा हूँ, अभी 5:15 का टाइम हुआ, नमाज़ पढ़ के अभी आए हैं, तो अभी बस चारा लेने के लिए चलते हैं। रेडी पहुँच चुके हैं हम, तो अभी बस निकलते हैं इधर से। ये जो हमारे पट्टे हैं जो कटे हुए हैं, सिर्फ उठा के लेके जाना है इनको, ये पल्लियों में डालनी है हमने। हमारी ईद की तैयारी हो चुकी है, तो ईद का बयान भी शुरू है। सिर्फ अभी जल्दी जल्दी से चलते, 15 मिनट रहते हैं ईद की नमाज़ खड़ी होने को। अभी ईद की नमाज़ पढ़ के फारग हो के आए हैं, तो अभी मेरा इरादा है शहर जाने का, थोड़ा सा काम है। अभी आप दोस्तों को दिखा देंगे जो काम करने जा रहे हैं, तो अभी बस निकलते हैं, जल्दी वापस भी आना है। नवीद हम नान लेने के लिए आए थे, तो शहर बिल्कुल बंद है, तो सिर्फ यही नानों वाली दुकानें खुली थी, तो या बेकरी वगैरह खुली थी, तो हम इधर रुके हैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए। तो बस अभी पी के घर चलते हैं, क्यों अभी जाके खाना भी खाना, जो चीज़ें लेने आए थे। ये जी हमारा दोपहर का खाना है, चावल है, मिर्च कटी हुई है, ये सलाद है, ये गोश्त पका हुआ है, ये जो खाने वाले से लेने गए थे नान, और साथ साथ ही रोटी भी नहीं हुई है, बोतल भी है साथ, ये लीची की बोतल है। अब खाना खा लिया है तो नींद काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो ईद का दिन है, ईद का दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है सो के, तो देखते हैं कितना टाइम सोते हैं। तो अभी तकरीबन हो रहे हैं, अभी ये टाइम हो रहा है, तो बाहर तो निकला नहीं जाएगा क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आराम ही करेंगे, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा फिर देखेंगे बाहर की सूरत हाल क्या है। अभी सोते हैं, जब उठेंगे फिर आप दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अभी उठाओ, तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी सोए हैं, और बाहर का भी मौसम कुछ ठीक हो रहा है, गर्मी कुछ कम हो रही है, तो मैं तो अभी नमाज़ पढ़ के हटाऊँ और टमाटर खा रहा हूँ, पड़ा था बस दिल किया तो खा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, दोस्त को भी कॉल करते हैं, अगर बाहर का मूड बनता है कहीं जाने का जाते हैं। ये हमारी बतखों के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, वो देखें पर भी आ गए हैं, वो हमारा मानो बैठा है जरा। ये जी बाहर का माहौल है, अभी तकरीबन 6:15 का टाइम है, धूप भी कम है तो गर्मी में कम हो रही है, और साथ इसको निकाल लिया मैंने, ये लेटा हुआ था। नहीं लेटा तो नहीं था, कपड़ों से फॉर्मेट कर रहा था, कपड़ों से बाहर हो रहा था, अभी भी ये आरजी तौर पे कपड़े पहन गया है। अभी नहाना था, नमाज भी नहीं पड़ी यार असर थी आज। क्यों बस यार एडा मस्त होया पे, तो अभी बस थोड़ी सी टाइमिंग बाहर मैं नहा के पढ़ता, नहा के पढ़ता, बाहर का माहौल देखेंगे फिर वापस घर ही चलेंगे। तो ये जी आसपास मक्की लगी है, मक्की माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है, रात में देखेंगे। टोल चल, ए तेरी खैर खैर आ, टोल चलने लगा, इधर आके लेट गई, लेट गई। छिट्टे तेरे वाले आने।